हेलो एवरीवन, आज मैं आपको मावे की बर्फी बताने वाली हूँ जो कि हम कोको पाउडर से तैयार करेंगे। इसमें केवल तीन ही चीज़ों की ज़रूरत है, चीनी, कोको पाउडर और मावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये मावा ले लिया है, ये घर का बना हुआ मावा है। देखिए, मावे को अच्छे से हम चलाते हुए भूनेंगे इसको। देखिए, ये अच्छे से इस तरीके से भून लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बर्फी बनेगी और मावा भी घर पर आसानी से बना सकते हैं। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। मावा अच्छे से भून गया हमारा और इसमें हम एक कटोरी चीनी ऐड कर देंगे। चीनी की क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हो। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा चीनी ले सकते हो। अब इसको चीनी जब तक हमारी मेल्ट हो जाए तब तक हम इसको चलाएंगे। ये बहुत फटाफट बर्फी बनती है और बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। बच्चों को तो ऑब्वियसली पसंद आएगी। ये देखिए, उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें मावा है, उसको चॉकलेट समझ के आसानी से खा लेंगे। अब हम इसमें ये चॉकलेट पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे से आप इस चॉकलेट पाउडर को दूध में घोल के भी डाल सकते हो। गैस को मैंने सिम कर दिया है। ये देखिए कितना अच्छा चॉकलेटी कलर आ गया है। ये देखिए, अब आप इस स्टेज पे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, बट मैं अवॉइड कर रही हूं। ये देखिए, गैस को हम बंद कर देंगे और इसको हम अब ठंडा होने देंगे थोड़ा सा। अब हम बर्फी को जमाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसको ग्रीस कर लिया है और ये सारा हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, अब इसको या तो आप पंखे की हवा में छोड़ दीजिए और या फिर आप फ्रिज में रख दीजिए। तो हम इसको अब आधा एक घंटा ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए, ये हमारी बर्फी सेट हो गई है। अब हम इसके किनारे छुड़ा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से चारों तरफ से इसमें कट लगा देंगे। आप जैसा आकार रखना चाहो उस हिसाब से कट लगा दीजिए इसमें। ये देखिए, हमने निकाल लिए और काजू से हमने डेकोरेट कर दिया है। आप चाहो तो सिल्वर वर्क भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। ये देखिए, ये हमारी बर्फी बनके तैयार है और जितनी ये देखने में सुंदर लग रही है उतनी ही ये खाने में स्वादिष्ट है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे YouTube के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइज।